बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत बाबा फरीद खान शकर रहमतुल्लाह अलैह की शबाना रोज़ कोशिश से जब अजोधर पाक पतन की दरो दीवार कल अल्लाह काले रसूल से गूंजने लगी और हर तरफ मुसलमानों की चहल पहल होगी तो बाद को अंदेशा महज हसद की वजह से आपकी मुखालफत करने लगे। इन मुखालफों में सबसे आगे जोधन की मस्जिद का इमाम और काजी था, जिसने पहले तो हुकूमत के कारिंदों को बाबा साहब को स्थाने पर उकसाया और जब इससे इसका जीना भरा तो बाबा साहब के जोके समापा तरह तरह के अतराजात करने लगा। उधर बाबा साहब की वसी कल्बी का ये आलम था कि वो मुहालफों की हरकत को मुतलका हाथर में न लाते थे और अपना दिल मैला ना करते थे। बाबा साहब की इस छाने में अतनाई से काजी का गुस्सा और भड़क उठा और उसने समा के जवाज और अदम जवाज के मसले की आड़ में बाबा साहब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने मुल्तान के उलमा से आपके खिलाफ फतवा हासिल करने की कोशिश की और अपने एक हाथ में उलमे मुल्तान से लिखता है कि एक शख्स जो अहले इलम में से है, कवाली सुनता है, वजद करता है, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। उलमे मुल्तान ने काजी को तहरीर किया कि इस शख्स का नाम लिखो। काजी ने बाबा साहब का नाम लिख भेजा। उलमे मुल्तान ने हजरत के खिलाफ फतवा जारी करने से इनकार कर दिया और काजी को लिखा कि तुमने एक ऐसे दरवेश खुदा मस्त का नाम लिखा है जो तमाम उलूमे शरीयत का मुंतही है, हमारी क्या मजाल है कि इसके कोलो फाइल पर इतराज़ करें। काजी का जब ये हरबा नाकाम हुआ तो उसने आवारा लालची कलंदर को बाबा साहब के कत्ल पर आमादा किया। ये शख्स कपड़ों के नीचे अपनी कमर में एक तेज धार छुरा छुपा कर आपके आस्थाने पर पहुंचा। बाबा साहब इस वक्त इबादत में मशगूल थे और सजदे में पड़े हुए थे। इस वक्त आपके पास हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपके पास मौजूद थे। बाबा साहब ने हालत सजदे में फरमाया, यहाँ कोई मौजूद है? हज़रत सुल्तान शाह ने जवाब दिया, आपका गुलाम निज़ामुद्दीन मौजूद है। बाबा साहब ने फरमाया, यहाँ एक लंदर खड़ा है जो कानों में सफ़ेद रंग की मुंदरियाँ पहने हुए है। हज़रत सुल्तान शाह ने इस बात में जवाब दिया तो बाबा साहब ने फरमाया, इस शख्स के कमर के साथ छुरा बंधा है और ये मेरे कत्ल के इरादे से आया है और इससे कह दो कि अपनी अकाबत खराब ना करे और यहाँ से चला जाए। ये सब सुनने के बाद कलंदर पर ऐसी दहशत तारी हुई कि वो भाग उठा और सीधा काजी के पास जाकर दम लिया और इसे कहा कि ऐसे खुदा के बंदे को कत्ल करना मेरे बस में नहीं। अल्लाह ताला ने आपके खिलाफ काजी की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया और ऐसा ऐसा आपके तमाम दुश्मन और हासद गैब व हसर होकर बैठ गए। उर्दू किताब पे आज के लिए इतना ही। मजीद नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए उर्दू किताब को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।